इस सरकार की हालत कितनी खराब है, कितनी निकम्मी यह सरकार है। और आज अब सैकड़ों ग्रामीण महिला पुरुष सेवपाग में ग्राम पंचायत भवन में एकत्रित हुए हैं, सुबह से लेकर के वहां पर बैठे हैं, लेकिन अभी तक भी प्रशासन की ओर से कोई भी अधिकारी वहां पर नहीं पहुंचे हैं। और अब स्थिति वहां पर यह हो गई है कि जो लोग वहां के ग्राम पंचायत प्रधान के पक्ष के कुछ लोग हैं, वो लोग वहां पर एकत्रित होकर के आए हैं। और अब वहां पर कानून एवं व्यवस्था की स्थिति को भी खतरा पैदा हो गया है। अब वहां पर नारेबाजी भी हो रही है, लेकिन तब भी एडमिनिस्ट्रेशन या पुलिस प्रशासन के कान में जूं तक नहीं रेंग रही है। ना तो कोई एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से कोई वहां पर गया है और ना ही कोई किसी प्रकार की सुध लेने वाला नहीं है। अब ग्रामीणों का ये कहना है कि हमारा दोष क्या है। मुझे लगता है कि कितना दबाव इन सरकारी अधिकारियों पर, सरकारी कर्मचारियों पर है, और जिसके कारण से एक जेन्युइन जो बात है जिसको वहां के ग्रामीण करना चाहते हैं उसको सुनने के लिए कोई पहुंच नहीं रहा, और जिसके कारण से वहां पर कोई भी किसी प्रकार की स्थिति यानी खराब होती है। तो उसके लिए मैं कहूंगा कि जिम्मेदार ये हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस की सरकार होगी, सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार होगी। और मैं इस वीडियो के माध्यम से ये भी कहूंगा कि हमारे जिलाधीश, हमारे SP कुल्लू, ये सबके सब लोग तुरंत जाकर एक्शन लें और देखें कि वास्तविकता क्या है। और मैं ये नहीं कहता कि किसी के विरुद्ध कुछ कहना चाहिए, जो वास्तविकता है वो सबके सामने आए, और ग्रामीणों को लगना चाहिए कि हमसे न्याय हुआ है। तो इसलिए मैं ऐसी विकट स्थिति के लिए सरकार को जिम्मेदार मानता हूँ। ना जाने पूरे हिमाचल प्रदेश में इस प्रकार के कितनी घटनाएं घट रही है जिसकी ओर सरकार का कतई ध्यान नहीं है। सरकार केवल मात्र अपने को बचाने के लिए काम कर रही है। और मैंने पिछले कल भी एक पत्रकार वार्ता में कहा था, सरकारी अधिकारी कहीं पर भी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है, और राजनीतिक दबाव के कारण से वो ठीक प्रकार से काम नहीं कर रहे, जिसकी मैं घोर निंदा करता हूँ।